सबने अपने अपने फितरे की रकम जमा की, मगर सरदार ने अभी तक अपने फितरे की रकम नहीं जमा की। कहाँ रह गए सरदार? दज्जाल मेरा मतलब है जमाल। क्या है, क्यों हंगामा मचा रखा है? ईद की नमाज से पहले है? सरदार, जमाल नमाज से पहले फितरे की रकम इकट्ठी कर रहा है। क्यों जमा कर रहा है? सरदार, फितरा आधा करना सब पर वाजिब है, और ईद की नमाज से पहले ही गरीबों और मुस्ताहक में फितरा तकसीम कर देना चाहिए। ईद खुशी का त्योहार है सरदार, और इस त्योहार में हमारा फर्ज है कि हम अपनी खुशियों में अजीजों और पड़ोसियों को नहीं भूल जाएं। नए कपड़े पहन लिए ना, बस हो गई ईद। हाँ, फितरा कैसा? हाँ, फितरा तो आपको देना ही पड़ेगा सरदार। मैं देती हूँ फितरे की रकम। ये लो। चलिए सरदार, ईद की नमाज पढ़ने। अरे छोड़, नमाज नमाज मैं पढ़ूँ? नए कपड़े पहन लिए ना, बस हो गई ईद। ये सब आना कानी नहीं चलेगी सरदार, आज तो आपको ईद की नमाज पढ़नी ही पड़ेगी। अरे दिलुबा दिलुबा, ये अबे जमाल, मैं तेरा सरदार हूँ, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि मेरा हाथ छोड़ दे। आज आपका हुक्म नहीं सरदार, मेरा हुक्म चलेगा। दिलुबा, दिलुबा। अरे चलिए चलिए सरदार, चलिए। वालेकुम अस्सलाम शहजादी तस्वीर, ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो। क्या खबर लाई हो शहजादी तस्वीर? आसिफ, कहकशां, अल्नासिर सब खैरियत से तो हैं? अल्लाह का करम है, सबने आपको ईद की मुबारकबाद भेजी है। सिंधबाद की तरफ से सबको ईद मुबारक हो। आप इस नेक काम से फुर्सत पाले तो इस कनीज को याद कर लीजिएगा आका। आज हमें समुद्री शहर अभी रवा भी जाना है। ठीक है शहजादी तस्वीर, हम आज शाम होने से पहले ही समुद्री शहर आबे रवा की तरफ रवाना होंगे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। फकीर को खैरात दे दे, अपने जानो माल का सदका दे दे, सदका दे दे। नहीं, सवाल भी करते हो और खैरात लेने से इनकार भी करते हो। तेरी ये दौलत फकीर के किसी काम की नहीं है। दौलत नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? अपने दिल की मुराद, जिसे पाने के लिए ये फकीर दर बदर भटक रहा है। आखिर क्या है आपके दिल की मुराद? एक ऐसी तिलिस्मी शय जो मुझे नई जिंदगी दे सकती है। तिलिस्मी शय? माफ करना बाबा, मैं कोई जादूगर तो नहीं जो आपकी ये मुराद पूरी कर सकूं। अगर आपकी मुराद कोई तिलिस्मी शय है तो फिर आपका ये सवाल कोई जादूगर ही पूरा कर सकता है। तू भी किसी जादूगर से कम नहीं, खुदा की राह में खैरात करके नेकियां बटोरने वाले इंसान, मेरा सवाल सिर्फ तू ही पूरा कर सकता है। अगर आपको अपने इल्म और अपने अंदाजे पर इतना ही यकीन है तो फिर सवाल करो बाबा। तो पहले वादा कर, फकीर का सवाल पूरा करेगा ना, मुराद नहीं लौटाएगा। अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो आपका सवाल और आपकी मुराद जरूर पूरी करूंगा।
तो इस फकीर का सवाल ये है कि आप शारे कजा का कातिल तेजाब मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी जरूरत है। आप शारे कजा का कातिल तेजाब? हाँ, आप शारे कजा का वो तिलिस्मी पानी जो तेरे पास है मेरी झोली में डाल दे। मगर आपको कैसे मालूम कि आप शारे कजा का कातिल पानी मेरे कब्जे में है? फकीर से सवाल मत कर, फकीर का सवाल पूरा कर। ये मत भूल कि तूने सवाल पूरा करने का वादा किया है। अगर आप शारे कजा का कातिल पानी आपकी जिंदगी का सवाल बन गया है तो मैं आपकी जिंदगी की और आपके दिल की ये मुराद अभी पूरी करता हूं। आपका सवाल और आपकी मुराद पूरी हुई बाबा, अब तो आप खुश हैं ना? खुश, बहुत खुश, बहुत खुश हूं जिंदाबाद। हबीज खरवान तू? हाँ मैं जिंदाबाद, मैं हबीज खरवान। ईद मुबारक सिंधबाद, ईद मुबारक। अय्यार मक्कार धोखेबाज, मत ले अपनी नापाक जबान से ईद का मुबारक नाम। आप सारे कजा का तिलिस्मी पानी तो मैंने अपनी जान माल का सबका समझकर तुझे खराब किया है, मगर तू इतना बेवकूफ है कि इसी में खुश हो रहा है। अहमद खबीज खरबान, अगर सवाली बनकर तू मुझसे मेरी जान भी मांगता तो ये सिंधबाद अपनी जान तक कुर्बान कर देता। हाँ, जान तो तेरी अब मेरी बुद्धि में है सिंधबाद, जब चाहे ले लूंगा। आप सारे कजा का कातिल तेजाब तो हम शैतानों का हथियार है, और तू अब तक हमारे ही हथियार से हमारा शिकार करता रहा। अब मैं देखता हूं तो हम शैतानों की तिलिस्मी ताकत का कैसे मुकाबला करता है। शैतानों से लड़ने के लिए तो सिर्फ खुदा की मदद और सहारा ही काफी है। खुदा ने चाहा तो एक दिन तू मेरे ही हाथों से मारा जाएगा खबीज खरबान। किसी को धोखा देने के लिए अगली ईद तक जिंदा नहीं बचेगा तू। नजमु शहर, तुम आ गई नजमु शहर। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था नजमु शहर। सल्तनत कराकरम के शहजादे को ईद मुबारक हो। शाह जुलान की दुख्तरे नेक अख्तर को भी हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी जानिब से भी ईद की मुबारकबाद कबूल फरमाइए शहजादे अम्मार। शुक्रिया तिलिस्मी मुखबिर। ईद के मुबारक दिन शहजादी नजमु शहर को यहाँ लाकर तुमने हमारी खुशियों को दोबाला कर दिया है। महल की रौनक में चार चांद लगा दिए हैं। हम तुम्हारे शुक्रगुजार और एहसानमंद हैं। बेशक तिलिस्मी मुखबिर हमारा राजदार और मददगार न होता तो आज की ईद हमारे लिए ईद न होती। शहजादा और शहजादी मिलकर गुलाम को शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं तिलिस्मी मुखबिर, शाह कोकब के गुलाम और शैतानी ताकतों के तरफदार होने के बाद भी तुमने जिस तरीके से हमारा साथ दिया है इस नेकी का सिला खुदा तुम्हें जरूर देगा। मैं शैतानों का तरफदार जरूर हूँ शहजादे, मगर नजमु शहर पर होने वाले जुल्म ने मुझ जैसे शैतान के पत्थर दिल को भी मोम कर दिया है। अब इस खिदमत इस भलाई के बदले गुलाम को अगर सजाए मौत भी मिले तो कोई गम नहीं। खुशी के दिन ऐसी गम की बातें ना करो तिलिस्मी मुखबिर।
ये लो। ये क्या है शहजादे? 5,000 अशर्फियां हमारी तरफ से ईद का नजराना। मगर इस दौलत का मैं क्या करूंगा? ये दौलत सिर्फ दौलत नहीं तिलिस्म मुखबिर, नेक जज्बात का नजराना है, ईद की खुशी का इजहार है, ईदी है। अगर ये दौलत तुम्हारे किसी काम की नहीं तो इसे गरीबों में बांट दो, हो सकता है गरीबों की दुआएं तुम्हारे काम आ जाएं। इस अनमोल नजराने का शुक्रिया शहजादे। अब गुलाम को इजाजत दो नजमुस शहर, कुछ देर बाद मैं वापस आऊंगा। मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मेरी सल्तनत, मेरी कायनात, शहजादी नजमुस शहर को एक बार फिर मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे महबूब, मेरे अरमानों के सरताज, मेरे हमदम, मेरे हमराज शहजादे अम्मार को भी ईद मुबारक, ईद की हजार खुशियां मुबारक। नजमुस शहर, किसी की आरजू में बेकरार आशिक के लिए इससे बड़ी ईद और क्या हो सकती है कि ईद के सुबह उसे अपने ख्वाबों की शहजादी का दीदार हो जाए। आज तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती शहजादी नजमुस शहर। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है अम्मार, मेरे बस में होता तो सारे जमाने की खुशियां समेट कर तुम्हारे कदमों में डाल देती, मगर तिलिस्म में जाल के सबब आज तो मुझे इतना भी इख्तियार नहीं कि दौड़कर तुम्हारे गले लग जाऊं। ये दूरियां, ये फासले तो चाहत और मोहब्बत की आग को और हवा देते हैं, मिलने करीब आने की तड़प को और बढ़ा देते हैं। यही आग, यही तड़प तो मोहब्बत को जिंदा रखती है। मैं दिन रात यही दुआ करती हूँ कि खुदा वो दिन ना दिखाए जब तुमसे मिलने तुम्हें पाने की आरजू हसरत बनकर मेरे सीने में दम तोड़ दे। खुदा ना करे, ये इंतजार तो हमारे सब्र का इम्तिहान है नजमुस शहर। इंशाल्लाह हम इस इम्तिहान में जरूर कामयाब होंगे, और अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। आमीन। खुदा करे ये ख्वाब जल्द से जल्द हकीकत में बदल जाए। दिलरुबा, ओ दिलरुबा कहाँ तुम? दिलरुबा, दिलरुबा आ गई ईद की नमाज पढ़ते। ओहो दिलरुबा, बहुत भीड़ थी ईदगाह में। हाँ जमाल ने अच्छा ही किया जो तुम्हें भी अपने साथ ईदगाह में लेके गया। दज्जाल से जमाल बन गया कमबख्त, खुद तो सुधर गया अब मेरे पीछे पड़ गया है। अब तुम ही बताओ दिलरुबा, मैं भी कोई सुधरने वाली चीज हूँ है? कुत्ते की दुम हूँ, कुत्ते की दुम। 12 बरस नली में डाल के रखो और फिर निकालो टेढ़ी की टेढ़ी। हाँ हो तो तुम टेढ़ी खीर, पर मुझसे ज्यादा नहीं। तुम टेढ़ी खीर भी हो और मीठी खीर भी। अरे हाँ दिलरुबा, ईद की सेवैया कहाँ है? पहले मेरी ईदी तो दो, फिर सेवैया खिलाऊंगी। ये खुदगर्जी नहीं चलेगी, सौदा नकद होना चाहिए। इस हाथ ले उस हाथ दे। मतलब? मतलब ये कि तुम भी मुझे ईद की ईदी दो, यानी ईद मिलो मुझसे। एक तो ईद पर सौदा कर रहे हो और उस पर से ईद का नाजायज फायदा भी उठाना चाहते हो। तुम तो बड़े खराब हो। वो तो हूँ। ईद मुबारक हो दिलरुबा। तुम्हें भी ईद मुबारक हो।
मुबारक। ईद मुबारक हो आसिर। तुम्हें भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो अलनासिर। आज ईद के दिन आका सिंधबाद की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही आसिर। हाँ अलनासिर, सिंधबाद के बगैर हमारा ये जहाज सुना सुना लग रहा है। आका हमारे साथ होते तो ईद का मजा ही कुछ और होता है ना। तुम ठीक कह रहे हो अलनासिर। ये कहकशों को क्या हुआ? खुदा जाने क्या बात है, मैं देखता हूँ। अरे आसिर जल्दी आना, सिवैयों का शीर खुरमा कहीं ठंडा ना हो जाए। अभी आता हूँ। कहकशां आओ आसिर। क्या बात है कहकशां, आज ईद के दिन भी तुम इतनी उदास और खामोश क्यों हो? मुझे अपना घर याद आ रहा है आसिफ। ओ तो ये बात है। ये पहला मौका है जब ईद के दिन मैं अपने घर से इतनी दूर हूँ। अच्छा तो आपको अपनी अम्मी और भाई बहनों की याद सता रही है? हाँ। मगर क्या आपको याद है मुहतरमा कि आपके उसी घर में आसिफ नाम के एक शरीफ इंसान से आपकी मंगनी भी हुई थी? आसिफ मुझे सताओ मत। तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे सामने है और तुम माजी की यादों में खोई हुई हो। आज ईद का दिन है, खुशियों का त्योहार है, ये वक्त ये मौका बीते दिनों को याद करने का नहीं है। अच्छा तो फिर तुम ही बताओ, बीच समंदर में इस चलते हुए जहाज पर आखिर ईद कैसे मनाई जाए? बताऊं? हाँ। ईद का दिन है, गले आज तो मिलने जालिम कि रस्में दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। बहुत बहुत ईद मुबारक हो तुम्हें कहकशां। तुम्हें भी आसे। आज पहली बार पता चला है कि दिलरुबा सिर्फ सरदार पर हुक्म ही चलाना नहीं जानती, खाना पकाना भी जानती है। बड़ी मजेदार सिवैयां बनाई है। हाँ जमाल, सिवैयों का ये शीर खुरमा तो बड़ा ही मजेदार है। हाँ ईद का मजा आ गया, अपना घर याद आ गया। दज्जाल अब्दुल, दज्जाल मेरे दोस्त। मैं भूत नहीं हूँ, डरो मत मेरे दोस्त, मैं तो एक बेचैन रूह हूँ। अब्दुल तू तो फितने का भूत हमें फिर सताने आ गया। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता है दज्जाल, यानी कि जमाल, मैं तो एक रूह हूँ जिसे तुम लोग भूत समझकर डर जाया करते थे। अगर तुम भूत नहीं हो तो फिर आज ईद के दिन हमें सताने क्यों आ गए? आज मैं तुम्हें सताने नहीं आया अब्दुल, मैं तो तुमसे ईद मिलने आया हूँ, अपने पुराने दोस्तों से, तुमसे, दज्जाल से। आज ईद मिलने आए हो, हमेशा तो तंग किया करते हो तुम, दुश्मन हो दुश्मन। अरे डरो मत, अब से मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ दज्जाल, यानी कि जमाल। आज की ईद तुम्हारी जिंदगी में एक नई सुबह का खुशगवार पैगाम लेकर आई है, मैं तुम्हें उसी की मुबारकबाद देने आया हूँ। तुम दोनों को ईद मुबारक हो। आ जाओ। ईद मुबारक हो दज्जाल, तुम्हें भी ईद मुबारक हो तोतन। आओ अब्दुल। अरे तुम तो अच्छे खासे मोटे हो गए अब्दुल। हाँ,
सब खुश हो रहे हैं, ईद मना रहे हैं। ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो। और मैं यहाँ इस तिलिस्म शीशे में कैद हूँ, शीशे की दीवारों से सर टकरा रहा हूँ। शाहे सुल्तान को कभी भूल गया है मुझे, सो रहा है वो। अब शाहे कोकब को गफलत की नींद से जगाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अक्का।